Thank you for watching The Avi Solutions. All the best for your exams. गाइस वेलकम बैक टू द अवी सॉल्यूशंस. मैं आपका दोस्त अविनाश त्रिपाठी. आज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि एक मैट्रिसेस का एक पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा टफ, ये दोनों का मिक्स है. सो ये चैप्टर करने इसका वेटेज पहले मैं बता देता हूँ आपको. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज 15-18 मार्क्स का ये चैप्टर है. तो ये चैप्टर के कुछ 4 या 5-6 ऐसे कुछ टाइप है. तो इन टाइप को हम देखेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे. थैंक यू. सो ये हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसमें हमें टाइप वन दिया है, कन्वर्जन फ्रॉम मैट्रिक्स फॉर्म टू कंपोजिट फॉर्म. जो टाइप टू है हमारा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. जो हमारा तीसरा टाइप है वो है कॉन्ग्रेंट ट्रांसफॉर्मेशन. जो हमारा चौथा टाइप है वो है कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म रिडक्शन. जो हमारा पांचवा टाइप है उसमें हमें रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर, ये तीनों कैसे फाइंड करना होता है उसके बारे में. जो हमारा छठवा टाइप है वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है. अब ये छः टाइप को हमें कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये इस चैप्टर में हम देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम पहले टाइप वन की तरफ चलते हैं. तो टाइप वन जो है हमारा कन्वर्जन फॉर्म फ्रॉम मैट्रिक्स फॉर्म टू कंपोजिट फॉर्म. अब पहले हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस एक्स इज इक्वल टू ए वाई. अब एक्स इज इक्वल टू ए वाई मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया रहेगा एक्स वन इज इक्वल टू ए इंटू वाई. ए जो कोएफिशिएंट रहेगा वो ए रहेगा और इन टर्म्स ऑफ वाई दिया रहेगा रिप्रेजेंटेशन गिवन इक्वेशन इन दिस फॉर्म मैट्रिक्स फॉर्म. फिर हमें y की हमें x इज इक्वल टू ए वाई और यहाँ पर ये y की जगह पे हमें bz डालना है. तो a bz ऐसा हो जाएगा. तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा x इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू z. एक इसका हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो चलिए एक इसका एग्जांपल देखते हैं. सो ये इसका एग्जांपल है. e एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. x1 वन इज इक्वल टू 2y1-3y2, x2 इज इक्वल टू 4y1+y2 एंड y1 इज इक्वल टू z1-2z2, y2 इज इक्वल टू 2y1+3y2. अब ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है x इज इक्वल टू ए वाई और ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू bz. अब x इज इक्वल टू ए वाई के फॉर्म में हमने लिखा x को इस साइड, a को बीच में, y को इस साइड. x इज इक्वल टू ए वाई और y इज इक्वल टू बी इंटू जेड और y इज इक्वल टू बी जेड. तो हमें कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है. तो x इज इक्वल टू ए इंटू बी जेड. तो ए बी जेड, x की वैल्यू ए बी जेड. इसको सिंप्लीफाई की तो हमें x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z मिली. तो ये जो टाइप है हम इसको कॉम्पोजिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. इसमें हमें चार से पांच स्टेप को ध्यान में रखना होता है. पहले तो राइट गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इनटू मैट्रिक्स ए. अब यहाँ पर कैसे दिया रहेगा कि ए इज इक्वल्स टू, हमें पूरा पहले एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा कि एक्स वन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, एक्स टू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, एक्स थ्री स्क्वायर की वैल्यू यहाँ. एक्स वन एक्स टू की वैल्यू दी रहेगी 6x1 x2, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 4x2 x3, तो 4x2 x3, तो एक 2 यहाँ 2 यहाँ, माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस दोनों को. इस तरह तरीके से हमें ये पूरा मैट्रिक्स ए को हमें फॉर्म करना है. फिर नाउ गिवन इक्वेशंस इनटू मैट्रिक्स पी. अब हमें इक्वेशन ये मैट्रिक्स पी में को लाना पड़ेगा. अब x1 x2 x3, पी इज इक्वल टू x1 x2 x3 इन टर्म्स ऑफ y. अब यहाँ पर x की वैल्यू इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y. तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म b इज इक्वल टू p'ap वेर p इज ट्रांसपोज ऑफ p. तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है यहाँ पर. उससे हमें p इज इक्वल टू x1 x2 x3, यहाँ पे एक्स पी मिल जाएगा हमें. फिर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म में b इज इक्वल टू p इज टू ap और b
ट्रांसपोज ऑफ पी हो जाएगा वाई वन वाई टू वाई थ्री इंटू बी वाई वन वाई टू वाई थ्री. दस गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ट्रांसफॉर्म टू क्वाड्रेटिक फॉर्म बी. अब ये स्टेप्स को ध्यान में कैसे रखना है कि पहले हमें मैट्रिक्स को इक्वेशन टू मैट्रिक्स लाना है, फिर हमें पी लाना है, फिर बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी रखना है, फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री बी वाई वन वाई टू वाई थ्री मतलब रो बी कॉलम. फिर हमें फिर ये स्टेटमेंट लिखना है कि हमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है. अब इस चीज़ के बेस्ड पे मैं आपको एक सम लेता हूँ. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. यहाँ पर 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x3 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 4x1 x3 माइनस 4x2 x3. अब यहाँ से हमें अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस 2y3 x2 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 2y3 और x3 इज इक्वल टू 3y3. अब द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज A, क्योंकि यहाँ पर तीन वैल्यू 2 2 3 तो 2 2 3 यहाँ पहले डाल दी. फिर 2 x1 x2. अब x1 x2 मतलब यहाँ 1 और 1. अब माइनस 4 x1 x3 x1 x3 मतलब यहाँ माइनस टू यहाँ माइनस टू यहाँ. यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया माइनस फोर एक्स टू एक्स थ्री तो माइनस टू यहाँ माइनस टू यहाँ. यह हमें ए मिल गया. अब द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज पी इज इक्वल टू. अब पी इज इक्वल टू हमें एक्स की टर्म्स में वैल्यू दीजिए जो दी गई है एक्स वन और वो वाई वन माइनस वन टू टू वन माइनस वन टू जीरो टू टू जीरो जीरो थ्री. अभी हमें पी मिल गई और अभी हमें मैट्रिक्स द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म इज बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी. यहाँ पी रो पी पी ये प्री ये हमें ट्रांसपोज मिलेगा मिलेगा वन जीरो जीरो माइनस वन टू जीरो टू टू थ्री. ये हमने ट्रांसपोज कर दिया पी का. ये ट्रांसपोज है बी ए और पी. पी को हम मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 200060003. अब द रिजल्टिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाई वन वाई टू वाई थ्री बी वाई वन वाई टू वाई थ्री. दिस मीन्स द क्वाड्रेटिक फॉर्म. ये हमारा जो इक्वेशन है अंडर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हमें गिवन था ट्रांसफॉर्म टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म दिस जो कि हमारा वैल्यू है वाई वन टू वाई वन स्क्वायर प्लस सिक्स वाई वन टू वाई वन स्क्वायर प्लस सिक्स वाई टू स्क्वायर प्लस थ्री वाई थ्री स्क्वायर जो कि हमारा ये इक्वेशन है. अब हम अपने थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन है. कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली पूछते हैं एग्जाम में. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इसको हमें पहले कैसे करना है कि हमें राइट क्वाड्रेटिक फॉर्म इन दिस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए गिवन इक्वेशन से आएगा. जो हमें इक्वेशन गिवन रहेगा उससे हमें ए मिल जाएगा. अब ए इज इक्वल टू आई ए आई के फॉर्म में लिखना है और ए को हमें डायगनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है जहाँ की डायगनल एलिमेंट्स में ही कुछ वैल्यू होंगी और अपर और लोअर ट्रायंगुलर को हमें जीरो लाना है. आई जो हमारा होगा वो रो ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करेगा और जो पोस्ट आई रहेगा वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करेगा. अब फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड स्टार. अब जो यहाँ पर जो स्टार की वैल्यू है जो स्टार है वहां से हमें ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू जीरो मिल जाएगी और कॉलम से हमें ये और ये वैल्यू जीरो मिलेगी. फिर सेकेंड रो से हमें ये वैल्यू जीरो मिलेगी और सेकेंड कॉलम से हमें ये जीरो मिलेगी. तो अब हम ऐसे करके ये डायगनल एलिमेंट जीरो बना देंगे. फिर ए को हम बी में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो बी जो होगा वो डायगनल मैट्रिक्स होगा जो ए को ऐसे ही कन्वर्ट करने के बाद हमें मिला. अब दिस मीन्स एक्स डैश इज ए एक्स ट्रांसफॉर्म टू वाई डैश बी वाई. एक्स डैश ए एक्स ट्रांसफॉर्म टू वाई डैश बी वाई बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू पी वाई. सो ये हमारा हमने एक्स इज इक्वल टू एक्स ए डैश एक्स को वाई बी डैश वाई में कन्वर्ट कर दिया. सो एक्स इज इक्वल टू पी वाई हो गया. अब एक इसके बेस्ड एक एग्जांपल देख. तो ये हमारे पास एग्जांपल है रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म सिक्स एक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री वाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स वन एक्स टू प्लस एटीन एक्स वन एक्स थ्री प्लस फोर एक्स टू एक्स थ्री. अब हमें
यहाँ पर टू डायगोनल फ्रॉम थ्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हमें यहाँ ए से इक्वेशन से ए मिला, ए को हमने ए इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू आई ए आई के फॉर्म में लिखा, ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर हमने यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये दो रो जीरो हो गए और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जीरो जीरो हो गए। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आर टू माइनस वन अपॉन आर वन अपॉन थ्री आर वन लिया, फिर आर थ्री माइनस थ्री अपॉन टू आर वन लिया, फिर सी टू माइनस वन अपॉन थ्री सी वन लिया, फिर सी थ्री माइनस थ्री टू थ्री बाय टू सी वन। मतलब जो मेरा आर वन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही मेरा सी टू का भी वही मेरा आर वन का जो होगा जो आर टू का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही सी टू का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो आर थ्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही सी थ्री का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इस बेसिस पे जो चेंजेस रहेंगे वो हमें करने रहेंगे। फिर अभी हमें यहाँ यहाँ ज़ीरो लाना है, यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो, इसकी वजह से हमें यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो मिला था। अब हमें यहाँ यहाँ ज़ीरो सॉरी ये दो ज़ीरो हमें इससे मिला। अब हमें ये लास्ट ये और ये ज़ीरो बनाना है माइनस वन को, तो उसके लिए हमने ये ज़ीरो लाया। अब ये ज़ीरो मिलने के बाद हमें बी मिल गया। अब ये जो ये हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स था वो हम अब ए से बी में कन्वर्ट हो गया है, और जो हमें ये मिला है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होके एक अलग सा मैट्रिक्स बना है वो पी डैश और पी है। वेयर बी इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस मीन्स द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स डैश ए एक्स इज कन्वर्टेड टू वाई डैश बी वाई बाय द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू पी वाई, दैट इज एक्स की वैल्यू वाई वन माइनस वन अपॉइंट थ्री वाई टू माइनस ट्वेंटी थ्री अपॉइंट फोर्टीन वाई थ्री, एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू प्लस थ्री अपॉइंट सेवन वाई थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि टाइप फोर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से ये टाइप है, कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्म में हमें पहले राइट गिवन इक्वेशन इन एक्स डैश ए एक्स फॉर्म, अभी हमें एक्स डैश ए एक्स फॉर्म में ये इक्वेशन लिखना रहेगा, फिर ए इज इक्वल टू आई ए आई, फिर उसका जो आंसर होगा वो ए मिलेगा, बी बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी, जैसा कि हमने यहाँ भी किया टाइप थ्री में किया, सेम हमें यहाँ पर बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी, वेर बी इज डायगोनल मैट्रिक्स। इफ बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना है कि यहाँ पर हमें बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी निकालना है, देन वाई डैश इज इक्वल टू बी वाई बाय ट्रांसफॉर्मेशन एक्स इज इक्वल टू पी वाई। ये इसकी हेल्प से अभी हमें यहाँ पर एक्स डैश ए एक्स के फॉर्म में लिखना है, फिर हमें ए इज इक्वल टू आई ए आई लिखना है, फिर बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी ये हमें मिल जाएगा इसको कन्वर्ट करने के बाद। अब हमें बी मिला, बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी लेना है हमें, जब वहाँ से हमें पी मिल जाएगा, पी की वजह से पी पी मिलेगा, फिर वाई डैश बी वाई इज इक्वल टू हमें निकालना रहेगा, फिर उसकी वजह से हमें एक्स इज इक्वल टू पी वाई मिल जाएगा, उसमें एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, एक्स की वैल्यू हमें पता है, पी की वैल्यू हमें यहाँ से मिली, वाई की वैल्यू हमें वाई डैश बी वाई से मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हमें एडिशनल यहाँ रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर निकालना है। अब ये रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर कैसे निकालना है वो हमारे नेक्स्ट टाइप में है, बट मैं इसके एग्जांपल में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और बाकी के जो मेन चीज़ है वो आपको टाइप फाइव में मैं बता दूंगा। सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है, रेड्यूस द क्वाड्रेटिक फॉर्म टू एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स थ्री स्क्वायर माइनस एट एक्स टू एक्स थ्री माइनस फोर एक्स टू एक्स थ्री एक्स वन प्लस ट्वेल्व एक्स वन एक्स टू टू नॉर्मल फॉर्म थ्रू कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक सिग्नेचर इंडेक्स एंड वैल्यू क्लास। अब हमने एक्स एक्स ए एक्स के फॉर्म में लिख दिया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एक्स डैश ए एक्स के फॉर्म में लिखा, उससे हमें ए की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लाई। अब ए इज इक्वल टू आई ए आई में लिखा, हमने सॉल्व किया उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके अपर लोअर ट्रायंगुलर जीरो लाके हमने बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी के फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया। उसको कन्वर्ट करने के बाद हमें बी इज इक्वल टू पी डैश ए पी वेर बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब दिस मीन्स द क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स डैश ए एक्स
will be transformed to y dash by by the transformation x is equals to py. इसकी वजह से हमने ट्रांसफॉर्म कर पाए इसमें. अब x1 की वैल्यू हमें p हमें पता चल गया, p जो है वो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 3 अपॉन रूट 17 ये होगी. तो ये हमें p मिला. अब हमने p को सब्स्टिट्यूट किया और फिर यहाँ पर हमको यहाँ रैंक 3 मिला और इंडेक्स 2 मिला और सिग्नेचर इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव स्क्वायर एंड नेगेटिव स्क्वायर वो कि 2-1 इक्वल्स टू 1. सिंस सम डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव सम आर नेगेटिव द वैल्यू क्लास इज इनडेफिनेट. यहाँ पर एक बार मैं ये a इज इक्वल्स टू i a डैश की तरफ फिर से लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस ध्यान में रखना रहेगा आपको कि यहाँ पर जीरो मिला. फिर यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए. फिर यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 ये हमें डायगोनल एलिमेंट्स मिल गया, यहाँ पर 0 0 आ गया. तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, यहाँ से बाय 1 अपॉन रूट 2 R1 कॉमा 1 अपॉन रूट 2 C1 1 अपॉन रूट 17 R2 प्लस 1 अपॉन रूट 17 C2 रूट 17 अपॉन 9 R3 रूट 17 अपॉन 3 C3. तो यहाँ से हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल गया 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 equals to 1 upon root 2 minus 3 upon root 17 1 upon root 17 0 11 upon 9 root 17 2 upon 9 root 17 7 root 17 upon 9. यहाँ पर भी ये छोड़ सकते थे 1 upon root 2, ये हमें सेम ये इसका ट्रांसपोज होगा. हमने सिंप्लीफाई किया और हमें वैल्यू मिली. अब हमारे टाइप 5 की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमें रैंक इंडेक्स और सिग्नेचर ये वैल्यू फाइंड करनी है. अब इंडेक्स के लिए हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर इज इंडेक्स, जहाँ जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर रहेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर है वो इंडेक्स हो गया और नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये रैंक हो गया और डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्वायर ये सिग्नेचर हो गया. तो ये था हमारा टाइप 5 जो कि हमने टाइप 4 में भी एक एग्जांपल में देखा था इसका, तो इसको इतना लेने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं अब आगे डायरेक्ट टाइप 6 की तरफ चलता हूँ. जो हमारा टाइप 6 है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन पे है. नोट, एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक ओनली, मतलब यहाँ पर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं पहले वो देखना पड़ेगा. उससे हमें पहले फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है और वहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा ए माइनस लैम्डा 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 लाके यहाँ से हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है. आई फाइंड नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर v1 v2 p इज इक्वल टू वेक्टर को हमें 3 वेक्टर्स मिलेंगे. इस वेक्टर को हमें वर्टिकली फॉर्म में लिखना होगा. फिर हमें x1 का नॉर्म, x2 का नॉर्म और x3 का नॉर्म निकालना होगा. फिर हमें पुट x इज इक्वल टू px डैश वेयर p इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, p इनवर्स ap इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x1 नॉर्म ऑफ x2 नॉर्म ऑफ x3 और 0 0 0 0 हर जगह. सो ये हमारा ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम. सो ये एग्जांपल है, फाइंड एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन दैट रिड्यूसेस द क्वाड्रेटिक फॉर्म 2x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 टू अ सम ऑफ स्क्वायर्स एंड एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल्स. सो ये हमारा क्वेश्चन है. द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज x x - ax के फॉर्म में लिखा. फिर हमने एंड द मैट्रिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म इज a, यहाँ से हमें a मिला और हमने a का हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला. उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिली, लैम्डा a माइनस लैम्डा 1 इंटू x इक्वल टू 0. यहाँ से हमें इसमें हमें आइगन वेक्टर्स निकालना है. आइगन वेक्टर्स हमने एक एक एलिमेंट के लिए लाए. यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए हमने ये 1, 1 ये आइगन वेक्टर आया. लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए हमें 1, -1 ये वेक्टर आया. अब हमें इसको वी नाउ नॉर्मलाइज दिस वेक्टर बाय डिवाइडिंग बाय नॉर्म ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू √1 + √2. अब द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स आर, अब नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स के लिए हमें 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2
मतलब यहाँ नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स के लिए हमें ये नॉर्म से डिवाइड करना होता है, तब हमें नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर मिलते हैं। तो अब ये दोनों v1 v2 को हम वर्टिकली लिखेंगे तो ये हमें p मिल जाएगा। अब पुट x इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डैश, एक्स डाल एक्स डैश डाला हमने विद द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म चेंजेस x इज इक्वल टू ए एक्स दैट इज x x1 डैश x2 डैश इज इक्वल टू x1 डैश 3x2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x2। तो हमें ये फॉर्म कन्वर्ट होके इसमें आ गई। तो ये हमारा था ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग के लिए आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो। मैं अलग अलग वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा जैसे 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 मेरा काम हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। गणपति बप्पा मोरिया।